नमस्कार किसान भाइयों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी फसल की, जो लगभग 1.5 से 2 माह की हो गई हैं। कुछ कुछ पौधे इल्ली काट रही है, जो ज़मीन में रहती हैं, तो पौधे गिर रहे हैं। उसके लिए मैं पानी के साथ क्लोरो छोड़ रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, क्लोरो और सल्फर को घोल के मैंने डब्बी में नल लगवा कर पानी के साथ इसको छोड़ रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, और ये जो दूसरा डब्बा लगा हुआ है, इसमें एक हर्बल टॉनिक या माइक्रो न्यूट्रेंट कह सकते हूँ, जो बिल्कुल फ्री का है। इसमें देसी गाय का गोमूत्र है, इसको भी छोड़ रहा हूँ। इसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से होते हैं, जो फसल को कोई नुकसान नहीं करते हैं। इसका प्रयोग मैं पहली बार कर रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे ये मेरी स्वस्थ अफीम की फसल खड़ी है, और मैंने इस पर 2 बार काली मस्सी की जो दवाई आती है उसका स्प्रे किया है। अभी तक स्प्रे करके लगभग 12 से 15 दिनों बाद पानी के बाद पानी दे रहा हूँ मैं, तो देख पा रहे होंगे अभी कोई रोग नहीं है फसल में, बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है। फालतू की अन्य टॉनिक वॉनिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे पौधे की बढ़वार अधिक हो जाएगी और फसल का गिरने का डर रहता है। हाँ, मेरे फसल में कुछ पहले पीलापन था, तो मैंने जो सुखला का 15-15-15 कहा जाता है, ये 10 आरी का अफीम है, मैंने उसमें 10 आरी के लिए 10 किलो का प्रयोग किया है। इस खाद को आप पानी के साथ घोल कर भी दे सकते हैं, और चाहे तो छिटक कर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये खाद पत्तियों पर भी गिरने से पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें 15-15% के हिसाब से तीनों खास तत्व नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस पाया जाता है। यदि आपकी फसल को ज़रूरत हो तो दें, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे खेत पर मैंने पहली बार ही इसका प्रयोग किया है, क्योंकि जो ये क्यारियाँ हैं, इसके मुँह पे हल्का पीलापन दिखाई दे रहा था, तो मैंने पूरे खेत में यूज़ कर लिया है इसको। इसके क्या परिणाम होंगे ये हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटी सी जानकारी अफीम की खेती के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान।